मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ लूँ, मिट्टी खोद के एक टनल डिक कर दूँ, कहाँ से कहाँ कर दूँ, एक पॉइंट डायमीटर के क्रॉस करता हुआ नीचे चले जाए, और इसमें एक बॉल को ड्रॉप कर दूँ, तो वो बॉल जब मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा, वो बॉल कहाँ आएगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आते 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 कहाँ निकल जाएगी? यहाँ निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। लगता है ऐसे कि बॉल को अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो वो टनल के क्रॉस ऊपर से जाएगी और सेकेंड एंड से नीचे आ जाएगी। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई भी बॉल को या किसी भी बॉडी को कौन खींचता है? किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ खींचती है। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो सोचो ये बॉल नीचे आई, इसके वेट के हिसाब से, और वेट भी चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज हो रही है, पर इन एनी केस सेंटर ऑफ द अर्थ इसे खींच रहा है, बॉल सेंटर पे आ गई। बॉल के पास, बॉल मोशन में है, सेंटर पे एकदम रुकेगी नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन को नीचे ले जाएगा, हल्का सा वो नीचे आएगी। अब सेंटर कहाँ रह गया? ऊपर। अब ऊपर का सेंटर उसे ऊपर खींचेगा, बॉल कहाँ स्टार्ट हो जाएगी? ऊपर आना। इनर्शिया ऑफ मोशन से वो ओ पे रेस्ट पे आ नहीं पाएगी, थोड़ी ऊपर निकल जाएगी। फिर सेंटर कहाँ रह गया? नीचे। कहाँ खींचेगी बॉल को? नीचे। नीचे आते आते ओ क्रॉस करते हुए फिर नीचे फिर ऊपर। तो सेंटर ओ को मानते हुए बॉल हल्की सी ऐसे मोशन में आएगी। ये SHM में प्रूव करो। तो भूल जाओ कि आप इंडिया में टनल डिक करोगे और अमेरिका में बाहर निकल जाओगे, तो ऐसी डंकी कभी लगेगी नहीं। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, मूवी भी आई हुई आजकल। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि बॉल जो है वो कभी भी दूसरे एंड पे निकलेगी नहीं, ओ को मेन पोजीशन मानते हुए ओ के अबाउट हल्की सी ऊपर नीचे मूव करेगी। और प्रूव करो ये SHM में। SHM में प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। मान लो 1 मिनट के लिए ये बॉल किसी भी इंस्टेंट पर अभी यहां पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? वाई है। सेंटर से दूरी वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या है? आर माइनस डी। वाई इज इक्वल टू आर माइनस डी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पी पॉइंट पे क्या है? जी डैश जी वन माइनस डी बाई आर। डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो आर माइनस डी, आर माइनस डी यहां पर क्या है? वाई। क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया? वाई। अब ये बताओ कि यहां पर जो अर्थ खींच रही है ऐसे, तो इस कौन सी फोर्स से खींच रही है? जो बॉडी का वेट होगा उस इंस्टेंट पर, तो वेट क्या होगा? एम इंटू जी, नहीं एम इंटू जी डैश, क्योंकि वाई डिस्टेंस पे वेट जो है एम इंटू जी डैश होगा। नेगेटिव साइन स्टैंड फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स से वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा। अब जी डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जी इंटू वाई बाई आर पुट कर दिया। और फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सलेशन। मास से मास कैंसिल हो गया बॉल का, तो ये टर्म आ गई। जी और आर कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वाई का डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन है, सेंटर का मतलब यहाँ पर मीन पोजीशन से डिस्टेंस वाई है, तो ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन है। तो ये SHM प्रूव हो गया। SHM की इक्वेशन लिखी जो हमने सीखी थी, कंपेयर किया, कंपेयर करके क्या आ गया? ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या होता है? 2π/T क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड आ गया। लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में, टाइम पीरियड 2π√r/g है। तो अगर एक अर्थ है, अर्थ के अंदर टनल है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ बॉल क्या होगा? 2π√r/g है।